हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेशियल किट का रिव्यू। जी हाँ, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं। और आज जो मैं किट का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपसे आज बायोटिक का एंटी टैन फेशियल किट का रिव्यू, और मेरा एक्सपीरियंस इस किट को इस्तेमाल करने के बाद कैसा लगा मुझे ये फेशियल किट का रिजल्ट। तो ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बात करते हैं इसकी सबसे पहले पैकेजिंग की। और ये कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में पैक होकर आता है। ये बबल रैप होकर आया था। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके पीछे सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें मतलब आपको कितने सैशे दिए गए हैं, कितने स्टेप करने हैं आपने, और किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। और ये किट मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गई थी, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। और कॉलेज गोइंग गर्ल यानी कि स्कूल गोइंग गर्ल और हॉस्टल गर्ल्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल लगी मुझे ये किट। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये मुझे 175 रुपीज़ के प्राइस में मिला था, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स और हॉस्टल गर्ल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है ये फेशियल किट। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है। काफ़ी फ्रूटी स्मेल है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह इसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। बट जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसका एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको ये फेशियल अपने फेस पर कर दिखाती हूँ। और ये फेशियल करने के लिए आपको सिर्फ आधा घंटा काफ़ी होगा। और ओपन होने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 6 स्टेप्स मिलते हैं, 6 स्टेप्स यानी कि मिलते हैं आपको। और साथ में आपको 15 ग्राम्स का आपको स्विस मैजिक डार्क स्पॉट कैरेक्टर मिल जाता है, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए। और फेशियल की देखिए क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। आपने फेशियल किस तरीके से करा है, फेशियल में आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करा है, कितनी देर तक आपने फेशियल किया है, तब आपको फेशियल के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो आप इसमें ठीक ठाक मतलब 2 से 3 बार आप इसमें फेशियल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने ये फेशियल कैसे किया है। और यहाँ पर मैंने फेशियल के लिए लिया है एकदम ठंडा पानी लिया है। इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दी हैं, क्योंकि समर का टाइम है और समर में जब भी आप फेशियल करते हैं तो आपको ठंडा पानी ही चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ले लिया है इसे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस्तेमाल करने जा रही हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा हनी जेल क्लिंजर, नरिशिंग फेशियल विद हनी एंड टर्मरिक स्टेप 1। और ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर ली है, और जैसे ही मैंने ये क्लिंजर लगाया अपने फेस पर, जैसे मैं इसके स्टेप कर रही हूँ तो मुझे हल्की सी इचिंग हो रही है यहाँ पर। सेकंड स्टेप करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने थोड़ा सा स्क्रब अपने हाथों पर ले लिया है। तो जब मैंने स्क्रब किया तो मेरे फेस पर इतनी ज़्यादा मतलब इचिंग नहीं हुई, बट हाँ इसे करने से मेरे फेस पर हल्की फुल्की थोड़ी सी मुझे मतलब इचिंग लग रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं और स्टेप 3 करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 4 की तरफ। और ये है फ्रूट पैक नरिशिंग फेशियल ब्लेंडेड विद फ्रूट्स एंड मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है ये। तो चलिए मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ फटाफट से। बट गाइस फेस पैक से मुझे थोड़ी इचिंग हो रही है,
कुछ ज़्यादा ही इचिंग हो रही है, तो मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है और मुझे नहीं लगता मैं इस फेस पैक को बहुत ज़्यादा देर तक अपने स्किन पर अप्लाई कर पाऊँगी। मैं फटाफट से इसे वॉश करके आती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये फेस पैक लगाते ही मुझे जलन शुरू हो गई है इसी एरिया में, तो मैं इसे फटाफट वॉश करके आती हूँ। और मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ। मुझे ये बायोटिक का जो फेस पैक है ना, ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ स्किन बहुत ज़्यादा बर्न होने लग गई थी। और क्रीम में ऐसा मुझे इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, बट पता नहीं फेस पैक लगाते ही मुझे इचिंग शुरू हो गई और जलन टाइप होने लगा है मेरी स्किन पर। बट इसके जो और स्टेप थे, यू नो, सेकंड और थर्ड नंबर पे जो स्टेप था वो मुझे सूट कर गया था, बट फेस पैक मुझे ज़रा भी सूट नहीं करा। बस अब मैं यहाँ पर सीरम ले रही हूँ, और ये है फिफ्थ स्टेप में डैंडेलियन सीरम है, नरिशिंग फेशियल ब्लेंडेड विद डैंडेलियन, स्टेप 5 है ये। और बस थोड़ा सा सीरम लेकर अपने फेस पर लगा लूँगी। तो सीरम से तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, सीरम इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे जलन हो रही थी ना, उस सीरम ने एकदम से काफ़ी शांत कर दिया यहाँ की स्किन को, एकदम से ठंडक मिल रही है। तो सीरम इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और जितने भी मैंने इसके स्टेप किए हैं ना, स्किन में ग्लो बहुत अच्छा आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। बट फेस पैक मुझे सीरियसली इसका बिल्कुल सूट नहीं करा है। और चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। और स्टेप 6 इसमें है क्लिनिकल डार्क स्पॉट करेक्टर, जो कि इसके साथ एक फ्री कंटेनर मिला था 15 ग्राम का। तो इसे मैं अपने फेस पर सिर्फ एक ड्रॉप जितना बस लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरा ये फेशियल यहीं पर ख़त्म होता है और रिजल्ट आपके सामने है। तो जब भी आप इस फेशियल को ट्राई करें तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए अपने कान के पीछे। तो देखा गाइस आपने, ये था मेरा आज का बायोटिक का एंटी टैन फेशियल किट का रिव्यू। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो, बेनिफिशियल रहा हो, और आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।